कोरोना के मसले पर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक ली और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आदेश जी, क्या कुछ बैठक में निर्णायक फैसले लिए गए? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे थे, ऐसे में केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कल निर्णय लिए, दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए और ट्रेसिंग हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली के लोगों की बहुत समस्याएं थी, जैसे दृश्य लोगों को देखने को मिल रहे थे, उन सभी को संज्ञान में लेते हुए बिगड़ी हुई परिस्थितियों में माननीय गृह मंत्री जी ने कल कॉरपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट और अन्य एजेंसियों के साथ अच्छा तालमेल हो, इसके लिए बहुत सारे निर्णय लिए। उनका बहुत हमने स्वागत और धन्यवाद किया है। और इसके साथ साथ जो आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग थी, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों में जनता के बीच जो भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है, उसको दूर करने के कदम उठाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना पूरा आश्वासन दिया है, हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से हम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के साथ हैं। जो समस्याएं लोगों की तरफ से आ रही थी कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, अगर टेस्टिंग हो रही तो उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कम होने चाहिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी उठाई है, अभी भी हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने ये बात रखी है। और इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मनमाने ढंग से वसूली हो रही है, वो बात भी हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी है। दोनों बातें उन्होंने स्वीकार की हैं और कल तक एक उन्होंने डॉक्टर पॉल की कमेटी बनाई, जो इसकी कल तक रिपोर्ट आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर, इन सब बातों पर अंकुश लगेगा, उससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। एक कहीं ना कहीं राजनीति भी दिखाई दे रही है इस पूरे मसले पर, MCD, दिल्ली बीजेपी, दिल्ली सरकार के बीच, इस मसले पर सब एक साथ इस एपिडेमिक से लड़ें, इसको लेकर क्या कुछ बात कही गई? बिल्कुल, ये आल पार्टी मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने बैठक ली, संदेश यही दिया है कि सभी, ये जो वक्त है, ये संकट का समय है, इस समय हमें राजनीति करने की बहुत टाइम आएगा, राजनीति करेंगे, लेकिन ये समय लोगों की जान बचाने का है और ऐसे समय में हम लोगों को आगे आके जान बचानी चाहिए, लोगों की रक्षा करनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने माननीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन को पूरा आश्वस्त किया है कि हम इस महामारी संकट से लड़ने में आपके साथ हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए लोगों को, जैसे हमने पहले खाना, राशन, भोजन पहुंचाया है, ऐसे ही हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा, फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या दिल्ली NCR फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता, जिस तरह से बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े हैं और आज जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, कॉरपोरेशन ने मिलकर जो काम करने का वो किया है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिए है, उससे बहुत सारी स्थितियाँ एक दो दिन के अंदर बहुत तेज़ी से सुधरेंगी, लोगों के टेस्ट भी होंगे, ट्रीटमेंट भी होगा, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे, रेलवे कोचेस के जो बेड्स बनाने की बात है, तो बहुत सारी सहूलियत दिल्ली में रहने वाले लोगों को मिलने वाली है। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।